हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक वीडियो यहाँ पर आ चुकी है जहाँ पर मैंने निफ्टी डोजो और मार्केट के सारे मोस्टली रिव्यू निफ्टी इंडाइसिस एज वेल एज निफ्टी आईटी से रिलेटेड बातें करी है तो यहाँ पर जाके देख लीजिएगा यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे आज अगर मैं बात करेंगे किससे रिलेटेड एशियन ग्रेनिटो से रिलेटेड एशियन ग्रेनिटो जो यहाँ पर सपोर्ट था वो भी यहाँ पर सपोर्ट तोड़ के यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता ताकि आपको यहाँ पर दिख जाए ओके ये जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को यहाँ पर तोड़ के नीचे आ चुका है ओके और मुझे लग रहा था ये सपोर्ट यहाँ पर इसका ठहर जाएगा नहीं टूटेगा बट आज की डेट में जिस तरीके की गिरावट थी ओके उस गिरावट में ये सपोर्ट यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया है तो एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे क्या हमें इस शेयर को बेच देना चाहिए एशियन गारंट क्यों क्योंकि काफी लोग इससे परेशान हो गए और जिस तरीके के इसने रिटर्न दिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं ये जब से यहाँ पर 2021 में ही दिखा देता हूँ या 21 के टॉप से दिखा देता हूं कि दो हजार रिटर्न दिए है तो आपको पता चलेगा कि इसने आपको एक नेगेटिव रिटर्न देते हुए नजर आया है और नेगेटिव में भी इस तरीके के रिटर्न देते हुए नजर आया है कि आप यहाँ पर डिसअपॉइंट हो जाएंगे लगभग शेयर एटी वन परसेंट यहाँ पर गिर चुका है बट स्टिल मैं आपको इस शेयर में होल्ड करने की राय दूंगा क्यों करने की राय दूंगा होल्ड इसके पीछे एक रीजन है सिंपल ओके okay, उस रीजन की वजह से मैं यहाँ आप पर आपको कहूंगा कि इस शेयर को हमें होल्ड करना चाहिए मुझे आपके बारे में नहीं पता बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर होल्ड करने वाला हूँ तो उसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे बहुत सारी नई चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और आपको यहाँ पर सिखाया सीख, जाए क्योंकि देखिए मार्केट में जब तक आपके पास सिंगल पेनी है तब तक आप मार्केट में ये समझिए अपने आप को बादशाह क्यों क्योंकि वो एक सिंगल पेनी भी आपको मार्केट में मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर नेवर कम बैक ओके तो इस चीज को याद रखिएगा तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं हम बात करेंगे एशियन ग्रेनिटो से रिलेटेड एशियन ग्रेनिटो अभी सबसे पहले 24 तारीख को इसके रिजल्ट है यहां देख सकते हैं 24th में को इसके रिजल्ट है तो सबसे पहले रिजल्ट देख लीजिएगा जब गिरावट हुई है केवल स्टॉक में नहीं हुई है इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा ओके जितने भी स्टॉक्स हैं मोस्टली उनमें गिरावट हुई है ये भी स्टॉक आज के दिन में सात परसेंट यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर राइट इशू में भी अप्लाई किया है राइट इशू का प्राइस सिक्सटी थ्री रुपीज था ओके प्लस में आम, हाँ सिक्सटी थ्री रुपीज था, तो यहाँ पर अगर हम देखे तो उससे भी यहाँ पर नीचे आ गया सिक्सटी रुपीज इशू के प्राइस से भी नीचे ये शेयर यहाँ पर अभी आपको ट्रेड करता हुआ मिल रहा है और अगर हम बात करें और भी कुछ चीजों की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये शेयर बेचना क्यों नहीं है इसका बिजनेस मॉडल सबसे पहले समझेंगे आप यहाँ पर जाएंगे इनकी वेबसाइट पर तो आपको समझेगा कि ये जो ये कंपनी है ओके सैनिटरी वेयर में अभी एंट्री करिए इससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें ये कंपनी टाइल्स के बिजनेस में थी तो एजीएल टाइल्स के नाम से जानी जाती थी अब ये एशियन ग्रैंडों के नाम से जानी जाती है जिसमें ये टाइल्स एज वेल एज हम यहाँ पर देखें तो जितने भी ये वाटर क्रॉज बेसिन और जितने भी ये, ये यू, यूराइनल बाथनर बाथ बाथरूम फर्नीचर जितने भी होते हैं इसी चीज से रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आते हैं तो इनका एक वाइट ब्रॉड इनका पोर्टफोलियो है इस चीज को आपको यहाँ पर समझना होगा टाइल्स की बात करें हर तरीके की टाइल्स यहाँ पर ये यह कंपनी बेचती हुई नजर आती है कमर्शियल यूज के लिए रेजिडेंशियल यूज के लिए हर तरीके की यहाँ पर इनके पास टाइल्स मिलती है और जो इनका बात बात अगर हम बात करें बाथवेयर का सेगमेंट है वो यहाँ पर लग्जीरियस दिखाई देता है ओके और यहाँ पर अगर बात करेंगे ये यहाँ पर ये यह जो कंपनी है यहाँ पर जाएंगे तो देखिए लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन में टाइल्स न, प्लांट इन गुजरात गुजरात तो गुझराथ में इनका लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन यहाँ पर दिखाई देता है प्लांट के मामले में काफी बड़ा इनके पास है इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो इस पर थोड़ा सा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी <coughs> तो यहाँ पर देखेंगे तो एडवांस टेक्नोलॉजी एंड की प्रोसेस के साथ ये अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं एज वेल एज वाइड रेंज ऑफ इनके पास अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स भी है और इनके आपको पता ही है यहाँ पर प्लांट कहाँ पर है गुजरात में यहाँ पर यहाँ पर दिखाई देता है सैरेमिक प्लांट यहाँ पर इडर में है दालपुर में यहाँ पर सी पी सी प्लांट है इसके अलावा कॉडज एंड मार्बल का इनका प्लांट है यहाँ पर ढोलका में प्लांट है दलपुर में यहाँ पर इनके प्लांट्स है तो कंपनी अगर बात करें काफी बेहतरीन इनके बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं अब बात करते हैं कुछ और फेक्स की तो कंपनी की यहां पर बात करें तो लगभग सौ कंट्रीज में ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें तो यहाँ पर सौ कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर जाते हुए दिखाई देते हैं हैं ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया फिजी बांग्लादेश ओमान यहाँ पर देख लीजिए सारे के सारे यूएसए मेक्सिको यहाँ पर जितने भी कंट्री है सब में यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल आउट होते हुए दिखाई देते हैं तो हर एक कॉन्टिनेंटल में हर एक जगह पर इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं इसके अलावा यहां पर देखेंगे मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ओके यहाँ पर देखेंगे टू डे ए जी एल इज द प्रीफर्ड ब्रांडोर

जी पालो जी इसके एनसीसी लोधा जितने भी डीएलएफ जितने भी है ना बी जो सारी बड़ी कंपनी एंड मैनी क्लिक कर देंगे तो मैनी बर्गर किंग पिज्जा हट यहाँ पर कैफे कैफे कॉफी स्पाइकर मोस्टली इनके जो आप देखते हैं ना पूरी की पूरी सजावट टाइल्स से रिलेटेड मोस्टली सजावट यही कंपनी करती हुई दिखाई देती है जो टाइल्स से रिलेटेड होती हुई दिखाई देती है बाथवेयर से रिलेटेड दिखाई देती है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए इसके बाद ये अपने आप को और एक्सपेंड करने वाले है एक्सपेंड के साथ साथ बड़े बड़े शोरूम ओपन करने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर सैरमिक और यहाँ पर ये यह अपने यहां पर शोरूम ओपन करने वाले टाइल्स से एग्जीबिशन होगा दिखाई देती है हर तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं तो इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से जानना पड़ेगा तब यहाँ पर आपको चीज दिखाई देगी ऑब्वियसली बात है यहाँ पर देखिए लॉस पे लॉस होता जा रहा है दिखाई दे रहा है लॉस पे लॉस ओके बट एक्चुअली लॉस नहीं है अगर मैं आपको बताऊं ये एक पेशेंस टेस्ट किया जाता है ऑपरेटर्स नाम की चीज होती है वो ऑपरेटर यहाँ पर दिखाया जाता है देखिए रिजल्ट कितने अच्छे आ जाए तो शेयर नहीं भागता रिजल्ट बेकार आ जाए तो यहाँ पर गिर देते हैं ओके इस तरीके की यहाँ पर गेमिंग प्लान होता है और फिर जब धीरे धीरे चीजें अच्छी हो रही है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी टाइम बाद यहाँ पर बूम आया है और जब काफी टाइम बाद बूम आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे टाइम तक चलने वाला है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर रहा है चाइना आज बहुत बड़ा है, है? क्यों है क्योंकि यहाँ पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफी बड़ा है ओके उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी पैसा खर्च किया है इसके अगेंस्ट में इंडिया की बात करें इतना पैसा लास्ट हमारे जो गवर्नमेंट थी नहीं खर्च हुआ था बट धीरे धीरे होगा धीरे धीरे हो रहा है तो इसे शेयर को थोड़ा सा टाइम दीजिए ये उन शेयरों में से है कि चाहे गोदरेज को प्रॉपर्टी को प्रॉफिट हो ना हो लोधा को प्रॉफिट हो या ना हो ओके या फिर जितने भी दूसरे उन्हें प्रॉफिट हो या ना हो बट किसे प्रॉफिट होगा ये टाइल्स बनाने वाली कंपनी को ओके और जो अगर हम बात करें जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट जैसे सीमेंट की कंपनी हो गई पेंट्स की कंपनी होगी उन्हें प्रॉफिट होना लाजमी है और होगा इस चीज को याद रखिए अभी थोड़ा सा मार्जिन पर इफेक्ट आ रहा है जैसे

की जो मार्केट कैप है बहुत कम दिखाई देती है इसके अलावा यहाँ पर पी रेशो -E देखे तो सर का यहाँ पर ज्यादा है बट इसका पी रेशो -E हमें यहाँ पर देखिए केवल सात के पी -E पे यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसके अगेंस्ट में आर ओ सी आर ओ ही देखे तो यहाँ पर देखिए सोमानी सर एम इसका पच्चीस सौ के आसपास पास पच्चीस सौ करोड़ के आसपास का यहाँ पर मार्केट कैप है ओके और पी -E इसका है अट्ठाईस और इसका देखिए सात का पी -E है सात सौ अड़सठ करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर केवल मार्केट कैप है बट इसके अगेंस्ट में आर ओ सी ही

होता है देखिए पी जब तक नहीं चल रहा था ओके okay, तब तक नहीं चल रहा था बट पी अभी चल रहा है तो लगभग अपने प्राइस पे आ गया है ओके okay, जो इसका प्राइस पी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगी कि पी नहीं चल रहा था जब तक नहीं चल रहा था नेगेटिव न्यूज थी सब चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा था अलग अलग यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही थी नहीं भाग रहा था बट जब भागना शुरू किया तो इसने अपने फिफ्टी टू वीक हाई को भी क्रॉस किया और लगभग अगर हम यहाँ पर देखें दो का जो हाई था लगभग उसी के आसपास आ गया और अगेन ये भागता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा टाइम देना होगा चौबीस तारीख को रिजल्ट है रिजल्ट को एक बार देख लीजिए छोटी छोटी जो टाइल्स की कंपनी है उनके रिजल्ट अच्छे आए सोमानी के अभी मैंने रिजल्ट देखे थे वो खास नहीं थे पी साथ पे है आर ओ सी आर ओ ही बेहतरीन नहीं है अभी बट धीरे धीरे हो जाएगा केवल थर्टी सिक्स परसेंट का ही लोन है ज्यादा लोन भी नहीं है और पी रेशो इंडस्ट्री का छब्बीस और इसका साथ है तो कहीं ना कहीं लग बहुत सस्ते में मतलब बहुत सस्ते में मतलब बहुत सस्ते में और लगभग अपने फिफ्टी टू वी खाई से लगभग फिफ्टी परसेंट के आसपास गिर चुका है राइट इशू आया है सब ने अप्लाई किया है मोस्टली राइट इशू की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको पता चलेगा इनका जो राइट इशू है वो भी ओवर सब्सक्राइब हुआ है वन

सॉरी डेढ़ सौ करोड़ की प्रॉफिट यहाँ पर लगभग टेन टाइम्स यहाँ पर सेल्स का हो चुका है या और प्रॉफिट की बात करें तेईस करोड़ का प्रॉफिट हंड्रेड करोड़ में चेंज हो गया है और यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरेस्ट जो आ, जो इनका रिजर्व था वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बोरिंग की बात करें बोरिंग यहां पर देखिए कम होती हुई नजर आ रही है दो करोड़ हो गई है स्टैंड लॉन में जाएंगे तो शायद और कम होती हुई दिखाई देगी यहाँ पर थोड़ा सा तो स्टैंड लॉन में तो एटी टू पर करोड़ रुपए की आसपास की दिखाई दे रही है ये पूरा न्यू अपडेट हो जाएगा तो आपको और चीजें समझ में आएगी प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखिए बढ़ी है इस क्वार्टर में एफआई ने

मैं दोनों साइड बात करूंगा ओके okay, ऑब्वियसली बात है हम मार्केट में प्रेडिक्ट की मार्केट क्या होगा क्या नहीं होगा बट जिस तरीके की है, जो कैंडल बनी है ओके okay, ये कैंडल जब यहाँ पर नीचे बन जाती है तो याद रखिए ऊपर की जंप दिखाई देता है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट में कल जंप हुई तो ये भी शेयर भागता हुआ दिखाई देगा और शायद इस रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ नजर आए बट अगर गिरावट होती है मार्केट में और ये भी प्रेशर में आता है तो ये सबसे पहले ये शेयर फिर सीधे यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा जो ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है जो ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है फोर्टी नाइन तो और गिरावट हो सकती है बट इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा और याद रखिए जब ये भागेगा तो रिटर्न किस तरीके से मिलते हुए नजर आएंगे उसका भी मैं आपको झलक दिखा देता हूं ताकि आपको यहाँ पर चीजें समझ में आए देखिए यहाँ पर दो हजार चौदह से इस तरीके से ही यहाँ पर चल रहा था ऊपर नीचे जा रहा था गिरावट हो रही थी सब चीज हो रहा था ओके ग्यारह रुपए तक शेयर आया था यहाँ पर देखिए एक सौ तैतीस का शेयर ग्यारह रुपए पे आया था फिर उसके बाद यहाँ पर छिहत्तर तक भागा था फिर नीचे आया था और यहाँ पर मैं केवल यहाँ से ले रहा हूँ कि चौदह दो हजार चौदह से लेके 2017 मतलब तीन साल में इसने कितने परसेंट के रिटर्न दिए थे उस चीज को भी पर थोड़ा सा देख लेते हैं तो उस चीज को यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि, कि किस तरीके से यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नजर आते हैं लगभग 2200-2300 परसेंट के रिटर्न मिले थे याद रखिए 2300 परसेंट के रिटर्न कम नहीं होते और कितने दिन में केवल तेरह दिन के अंदर अंदर तो इस चीज को समझिए जब ये शेयर भागेगा तो बिलीव मी बेहतरीन रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे पेन में है मोस्टली स्टॉक्स में पेन में है और सभी लोग यहाँ पर पेन में है बट जब चीजें चलना शुरू होगी तो अच्छे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे बट स्टिल बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है चीजों को समझना है चीजें समझ में आएगी तो यहाँ पर आज बेशक से पैसा नहीं बन रहा थोड़ा सा टाइम देने का पैसा डेफिनेटली बनेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा जितना हो सके सपोर्ट करिएगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस